हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को आप कैसे रिडीम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से आपको जो है BOB क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपका जो क्रोम ब्राउज़र होता है इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है BOB कार्ड लॉगिन। ये सर्च करके आपको यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है लॉगिन BOB फाइनेंशियल। तो आपको ये वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का मेन्यू आ जाता है, यहाँ लिखा हुआ वेलकम बैक। आपको यहाँ पर आपका यूज़र नेम डाल देना है और यहाँ जो नीचे आप देख सकते हैं कैप्चा कोड दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर डालना है। तो ये डिटेल जो है अभी यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो अभी मैं डिटेल आपको फिल करके यूज़र नेम और कैप्चर कोड एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ प्रोसीड, तो हम यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे नंबर पे एक OTP आएगा, तो OTP जो है हमारे नंबर पे आ गया है। OTP हमको यहाँ पे एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ एक नीचे जो है आपको चेक मार्क में चेक कर देना है और यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम लिख के आ जाएगा और आपका जो प्राइमरी जो है कार्ड का नंबर आ जाएगा। और यहाँ आपको जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है पॉइंट रिडीम करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ रिडीम पॉइंट, तो आपको ये रिडीम पॉइंट वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने जो है रिवॉर्ड पॉइंट है। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल बोनस पॉइंट अर्न, तो यहाँ मेरे 776 जो है 776 यहाँ मेरे रिवॉर्ड पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जितने भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट हैं, जैसे मेरे 776 है तो मैं यहाँ पूरे रिडीम करना चाहता हूँ, एंटर कर दिया। इसके बाद आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और रिडीम के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। आप देख सकते हैं लिख गया है योर रिक्वेस्ट फॉर बोनस पॉइंट रिडेम्पशन हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो हमारी यहाँ से रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली ले ली गई है और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट का स्टेटस भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं क्लिक करके। तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी देर हम वेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है रिक्वेस्ट पे और यहाँ सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रिडेम्पशन पॉइंट वाला रिक्वेस्ट है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं बोनस रिडेम्पशन पॉइंट अप्रूव्ड हो गया है, 4 जनवरी को किया गया है, रिक्वेस्ट नंबर भी है यहाँ दिख रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप जब इसको रिडीम कर लेंगे तो आपका जो बिल जनरेट हुआ है उसमें से ये जो है आपके जो है पैसा जो है माइनस हो जाएगा। जितने भी, जैसे मैंने 700 माइनस किए हैं तो इसका जो भी रिवॉर्ड पॉइंट का अमाउंट बनेगा वो हमारे बिल जनरेट जो होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय माता की।